गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। हमने लास्ट वीडियो जो हमारा ड्रॉप किया था वो था WH वर्ड में। हमने WH वर्ड क्लियर कर लिए थे और लास्ट जो हमारा चल रहा था WH वर्ड में हु और whom, उसको बनाने का स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। हम रेस्ट ऑफ जितने भी सेंटेंस है वहाँ पर बाय हम पीछे लगा रहे हैं, लेकिन हु सेंटेंस ऐसा है जिसमें बाय से ही हम सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि बाय हुम से ही। हु है तो हु चेंज होके बाय हुम में चेंज हो जाएगा और बाय हुम से ही सेंटेंस को हम स्टार्ट कर रहे थे। तो लास्ट जो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगी जहां से लास्ट मैंने आपको एग्जांपल बताया था, हु कॉल्ड गीता। तो हम उसी एग्जांपल से वापस कंटिन्यू करते हैं ताकि अगर लास्ट क्लास एक बार आपका रिमाइंड हो जाए। यस, हमारा सेंटेंस था हु कॉल्ड गीता। इसका पैसिव हमने बनाया था बाय हुम, वॉज लगाया। वॉज इसलिए लगाया क्योंकि यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हो रही है, और वॉज इसलिए लगाया क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट भी जो है वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। बाय हुम वॉज गीता कॉल्ड। क्लियर? इन्हीं को हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने के लिए कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। हु स्टॉल, स्टॉल मतलब चुराना। हु स्टॉल द पेन, क्या बनाएंगे हम? बाय हुम वॉज द पेन स्टोलन। बाय हुम वॉज द पेन स्टोलन। इसी तरीके से नेक्स्ट हम एक हुम का सेंटेंस देख लेते कि अगर हुम आ जाता है वर्ड तो हुम में क्या चीज होगी। हुम का सेंटेंस देखते हैं, हुम डेड यू suggest, whom did you suggest? तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? अब जब who था तो हमने whom लगाया, अब whom है तो हम फिर से क्या यूज करेंगे? who को यूज करेंगे। ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं, एक दूसरे के अपोजिट में यूज होते रहेंगे। who was, क्योंकि did है हम was लगा रहे हैं। Who was verb की थर्ड फॉर्म, suggested by you। देखिए फिर से हमने by पीछे लगाया, जब whom यहां आ रहा है तो who लगाया, who लगाते में ही हम by यहां लगा रहे हैं। लेकिन अगर who यहां होता तो by whom से सेंटेंस स्टार्ट होता। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो अपने दिमाग में बिठा लेना है, यू नहीं कि सिर्फ नोट डाउन करना है। कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लोगे तो आपको रूल्स को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही याद हो जाएंगे। यस, हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। Whom did you see there?
थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, मैंने सेंटेंस बोल दिया है whom did you see there, अगर नोट नहीं किया हो या कुछ इश्यू हो रहा हो आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप सेंटेंस अपनी रजिस्टर में नोट कर सकते हैं whom did you see there। अब हम देखते हैं इसका पैसिव क्या बनेगा, whom की जगह हमें क्या लगाना था, who was seen, सी की थर्ड फॉर्म क्या होगी, seen, seen there by you, क्लियर। एक दो सेंटेंस हम और देख लेते हैं, हम लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, फिर से हम एक हु का सेंटेंस देख लेते हैं, हु हैज टेकन माय पेन, फिर से वही हु से है तो हम स्टार्ट किससे करेंगे, बाय हुम से, तो बाय हुम has my, by whom has my pen been taken, clear, क्या sentence लिखा था, who has taken my pen, by whom has my pen been टेकिन, क्लियर। यहां तक, यहां पर हमारे फिनिश होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बाद एक और टॉपिक हमारा बचता है, वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस का। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम देख लेते हैं एक बार अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू रूल्स हम देख लेते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, यस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस की एक छोटी सी सेंटेंस होते हैं और बहुत इजी है सीखने में भी। इसमें दो ही चीजें होती हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट, कुछ भी इसमें दूसरा नहीं दिया होता। अब हम इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले यूज करना होगा वो है लेट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट जो यहां दे रखा है, राइट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी। अब यहां पर हमारा बी ही रहेगा, हम बाय इन सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे, फिर से मैं मेंशन करवा दूं और देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यस, इन सेंटेंस को मैं फिर से आपको मेंशन करवा दूं, जिन सेंटेंस में सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट दे रखा है, यानी कि सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा, वो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वर्ब से, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और पीछे के ऑब्जेक्ट ही दे रखा है, वो सेंटेंस स्टार्ट होगा जब पैसिव में चेंज होगा, तो पैसिव में चेंज होने के लिए लेट फिर ऑब्जेक्ट फिर बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, उसमें कोई भी बाय वगैरह यूज नहीं होगा। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, पोस्ट दिस लेटर, ठीक है, ये क्या है, वर्ब पोस्ट करना, पोस्ट करना, चिट्ठी हम पोस्ट करते हैं ना, पोस्ट करना, यानी दिस लेटर, ये हमारा हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, मैंने पहले ही कहा था वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा, यहां पे भी वर्ब ऑब्जेक्ट है, अब सबसे पहले हमें क्या लेना है, लेट, तो जब हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो स्टार्ट करेंगे
लेट से, लेट ऑब्जेक्ट क्या हमारा, दिस लेटर, लेट दिस लेटर, फिर क्या लगाना है, बी, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या थी हमारी, पोस्ट, पोस्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, पोस्टेड. Let this letter be posted. तो ये मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज कर रही हूँ कि इसके जो जितने भी रेस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, और एक और छोटा सा पॉइंट बचता है, वो जो भी है वो हम यूज़ करें नेक्स्ट वीडियो में, उसको सॉर्ट आउट करेंगे. तब तक आप इस कॉन्सेप्ट को समझें और घर पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करें. थैंक यू. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास. लास्ट जो क्लास थी वहाँ पर हम रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो यहाँ पर उसी चीज़ को मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता रही हूँ. जैसे फर्स्ट जो चीज़ आप करेंगे, रियल नंबर्स को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, कोई भी रैंडम सा रियल नंबर है उसको अगर नंबर लाइन पर शो करना है तो किस तरीके से करेंगे. तो जो फर्स्ट स्टेप हमारी रहेगी, स्टेप्स इसलिए लिखा रही हूँ ताकि आपको याद रहे. फर्स्ट जो स्टेप रहेगी, कोई पॉइंट ए लेना है नंबर लाइन पर, जैसे ये नंबर लाइन है हमारी, तो कोई पॉइंट ए ले लिया, टेक पॉइंट ए ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन के ऊपर एक पॉइंट ए लेना है. सेकंड स्टेप, अब जो भी आपको रूट एक्स फाइंड करना है उसकी लेंथ पकड़नी है हमको एक्स, तो एक्स यूनिट, तो ए से कितनी लेंथ पर, एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट बी लेना है, इससे एक्स डिस्टेंस पर. मैक अनादर पॉइंट पॉइंट बी ऑन द नंबर लाइन. इस तरीके से लेना है, सच दैट, इस प्रकार से लेना है, सच दैट, इस तरीके से लेना है कि ए बी इज इक्वल टू एक्स यूनिट. ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स यूनिट का लेंथ ले लिया, फिर इस बी को हम आगे एक्सटेंड करेंगे सी तक, कुछ इस तरीके से कि ये जो लेंथ है सी तक की, जो भी हमारी लेंथ है वो रहेगी हमारी वन यूनिट. ओके, जो स्टेप थर्ड रहेगी आपकी, थर्ड रहेगी एक्सटेंड इट टू द पॉइंट सी, एक्सटेंड इट टू द पॉइंट सी, सच दैट, इस तरीके से इसको बढ़ाना है कि लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू वन यूनिट. ठीक है, पॉइंट ये जो लाइन है उसको पॉइंट सी तक इस प्रकार बढ़ाएंगे कि बी सी बराबर वन यूनिट रहे. अब इसके बाद जो आपकी स्टेप रहती है वो क्या करना रहता है, इस ए सी को एस डायमीटर व्यास लेकर के आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना रहेगा. जो आपका स्टेप फोर्थ है, स्टेप फोर्थ है वो रहेगा आपका विद डायमीटर ए सी ड्रॉ अ सेमी सर्कल, विद डायमीटर ए सी
ड्रॉ द सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो ए सी डायमीटर लेके, तो वहाँ से रेडियस आ जाएगा हमारे पास। स्केल से ये लेंथ मेजर कर लेना, x प्लस वन, लाइक ये 7 यूनिट का लिया है, ये 1 यूनिट का, टोटल 8 हो गया। मान लेते हैं ये लेंथ 8 यूनिट है पूरी पूरी। इसको व्यास लेकर के आपको सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल के लिए जो सेंटर रहेगा वो क्या रहेगा, ओ, ओ सेंटर रहेगा। उसके बाद क्या, इसको रेडियस लेते हुए यहाँ पर सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। तब 8 का हाफ क्या होता है, 4 यूनिट, 4 यूनिट इज योर रेडियस। तो ओ यहाँ ए से 7 यूनिट तक, 7 सेंटीमीटर या जो भी आपने लिया है, 4 यूनिट रेडियस लेकर के यहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्कल ड्रॉ होने के बाद स्टेप जो 5 आपकी रहेगी वो क्या रहेगी, विद डायमीटर ए सी ड्रॉ सेमी सर्कल, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ए सी। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बी डी, जो कि इस सेमी सर्कल को कट कर रहा होता है डी पर। तो विथ ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ए सी एट बी, बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टू मीट सेमी, टू मीट सेमी सर्कल एट डी, जो कि डी पर मिल रहा होगा। तो ये जो लेंथ होगी हमारी बी डी वो रहेगी रूट एक्स। हेयर लेंथ बी डी इज इक्वल टू रूट एक्स, ओके। लेकिन हमको ये चीज़ नंबर लाइन पर चाहिए। तो इसके बाद की जो स्टेप आपकी रहेगी, इस रूट एक्स को एज रेडियस लेना है, पॉइंट बी को सेंटर लेते हुए डी तक को ओपन करेंगे और फिर यहाँ से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये जो आर्क ड्रॉ होगा यहाँ पर भी नंबर लाइन पर कट कर रहा होगा। तो ये जो लेंथ रहेगी सेंटर से लगा करके इस पॉइंट के बीच की, लाइक ये ले लिया पी, तो ये जो बी पी रहेगा वो हमारा लेंथ रहेगा रूट एक्स। क्लियर है? अब आप कहोगे कि ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया उसका लेंथ रूट एक्स कैसे हुआ? तो ये चीज़ भी हम आपकी बुक में है, इसका प्रूफ आपको दे रखा है। हम चाहे तो इसका प्रूफ कर भी सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो चीज़ भी आप देख लीजिए। फर्स्टली ये स्टेप्स आपको याद होनी चाहिए। रैंडम सा कोई भी नंबर कह दिया आपको, रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 5, रूट ऑफ 8, ये सारे तो आप कर ही रहे हो डायरेक्टली। अगर इनके स्क्वायर की फॉर्म में आप नहीं लिख पा रहे हो तो ये एक अल्टर मेथड रहता है जिससे इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नाउ अब जैसे इसका प्रूफ अगर देखें, क्या किस चीज़ का प्रूफ, कि बी डी इज इक्वल टू रूट एक्स, ये आपको प्रूफ करना है। बी डी इज इक्वल टू रूट एक्स, ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले क्या चीज़ इसमें करेंगे, सबसे पहले सबकी लेंथ यहाँ ले लेते हैं, इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम जानते हैं ए बी जो लेंथ हमने ड्रॉ की थी वो कितनी थी, एक्स यूनिट। नाउ ए बी एक्स यूनिट है, बी सी हमने 1 यूनिट एक्सटेंड करके लाया था, बी सी इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब अगर मैं आपको पूछूं कि बताइए कि ओवरऑल ये जो आपका ए पी बन रहा है, ए पी भी नहीं, अगर मैं इसमें कहूं कि ये तो हमने एक्सटेंड किया है यहाँ पर, ए सी जो आपका पहले था ये तो मैंने ड्रॉ करके यहाँ लाया है, ओके। अब हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना है, सी तक, सी तक एक्सटेंड किया और यहाँ पर सेमी सर्कल ड्रॉ किया ना। अब ये जो रूट एक्स है उसको एक बार के लिए भूल जाते हैं, ये जो रियल नंबर पे हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि क्या सच में ये जो बी डी परपेंडिकुलर उसका उसका जो लेंथ है वो रूट एक्स है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेजरमेंट्स चेक कर लें। ए बी एक्स यूनिट है, ए सी जो है अभी नहीं चेक किया, ये जो लाइन बी सी है उसका लेंथ 1 यूनिट है। नाउ ओवरऑल अगर लेंथ पूछूं मैं कि लाइन जो आपकी
ए सी है उसका लेंथ क्या है, तो हम जानते हैं कि ओवरऑल इसका लेंथ कितना है, ये वन यूनिट है, और बी से लगा करके ए तक का कितना है, ये जो ओवरऑल पूरा लेंथ बन रहा है दैट इज एक्स यूनिट, तो टोटल कितना हो गया एक्स प्लस वन यूनिट। ओके, ये लेंथ हो गई। अब इसके बाद क्या बच रहा है, जैसे अगर आपको चाहिए ये जो है ओ बी, लेंथ ऑफ ओ बी अगर आप जानना चाहो, लेंथ ऑफ इससे पहले ये क्या है सेंटर ओ, ये सेमी सर्कल बना हुआ है, ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है या लेंथ है, और या फिर ओ से सी तक का जो लेंथ है डिस्टेंस है वो उसके रेडियस के इक्वल है। रेडियस क्या होता है, डायामीटर का आधा, व्यास का आधा होता है, तो आपका व्यास जो क्या है x प्लस वन है ए सी का लेंथ अपॉन टू, तो यहाँ से आपके पास ओ ए या फिर ओ सी की लेंथ आ जाती है। अब इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो हो गया ओ ए इज इक्वल टू ओ सी दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन टू जो आपका रेडियस है इस सेमी सर्कल का। इसके बाद लेंथ ओ बी चेक करते हैं, ये ट्राइंगल नज़र आ रहा है ओ बी डी ट्राइंगल नज़र आ रहा है, इसमें अगर मैं पूछूं कि ओ बी का लेंथ कितना होगा, ये हो गया ओ बी, और ओवरऑल लाइन बी से लगा करके ए बी तक कितनी है एक्स यूनिट, ये पूरा का पूरा एक्स है, और उसका एक सेक्शन हमको पता करना है। ओ ए का लेंथ भी हमको पता है एक्स प्लस वन बाय टू, एक्स प्लस वन अपॉन टू यहाँ से लगा करके यहाँ तक का लेंथ, और ओवरऑल बी तक लेंथ कितना बन रहा है एक्स यूनिट। अगर इस एक्स यूनिट में इसका लेंथ मुझे पता है तो इस छोटे सेक्शन का लेंथ मैं नहीं निकाल सकती, हम जानते हैं ये पूरी पूरी लाइन ए और बी किससे मिलकर के बनी है, ए ओ और ओ बी से, ए ओ का लेंथ अपने को पता है तो ओ बी का नहीं निकाल सकते, तो पूरी लेंथ में से अगर ये बड़ा वाला पोर्शन निकाल दिया जाए यानी एक्स में से एक्स प्लस वन बाय टू निकाल दिया जाए तो क्या ये ओ बी नहीं आ जाएगा, तो ओ बी का लेंथ जो हो जाएगा आपका एक्स माइनस वो जो बड़ा वाला पोर्शन है एक्स प्लस वन अपॉन टू माइनस करेंगे तो हमारे पास ओ बी का लेंथ आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहली चीज़ क्या की जाती है एलसीएम लिया जाता है, अपॉन में कुछ नहीं यानी वन, वन और टू का एलसीएम क्या आ जाएगा टू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टू डिवाइड बाई वन वन, और टू डिवाइड बाई वन टू, टू मल्टीप्लाई विद एक्स टू एक्स माइनस टू डिवाइड बाई टू वन, वन मल्टीप्लाई विद एक्स प्लस वन वही रहेगा, ब्रैकेट में रख रही हूँ अभी ब्रैकेट ओपन नहीं किया है। इसके बाद क्या हो जाएगा टू एक्स माइनस एक्स, ब्रैकेट जब ओपन होगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस और इस प्लस का भी माइनस, तो माइनस एक्स माइनस वन टू, तो कितना हो जाएगा टू एक्स माइनस एक्स माइनस वन, तो टू एक्स में से एक्स गया तो कितना बचा एक्स, एक्स माइनस वन अपॉन टू, ये लेंथ आ गई हमारे पास ओ बी की, ये लेंथ आ गई एक्स माइनस वन अपॉन टू। नाउ हमको किसका चेक करना है, डी बी का चेक करना है। अब मुझे बताओ कि ये जो ओ डी हमने लिया है ओ डी, इसका लेंथ कितना होना चाहिए, ओ इज द सेंटर ऑफ सेमी सर्कल, सेंटर से सर्क्यूमफेरेंस की जो सीधी डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं रेडियस, तो रेडियस हर जगह इक्वली होगी चाहे हम ओ ए की बात करें, ओ सी की बात करें, चाहे ओ डी की बात करें, तो यहाँ पर जो चीज़ हमने लिखी रेडियस, तो रेडियस कौन कौन सी है, यहाँ पर ओ ए भी है, ओ सी भी है, और ओ डी भी है, तो ओ डी की वैल्यू हमारे पास है, ओ बी की ओ बी की भी है, हमको क्या वेरीफाई करना है कि बी डी रूट एक्स है या नहीं, तो कुल मिला के हमको बी डी का वैल्यू लेकर के आना है, तो बी डी का वैल्यू कैसे लेकर के आएंगे, उसके बाद जो आपका रहेगा ये आ गया ओ बी का लेंथ इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ओ बी डी, ये परपेंडिकुलर है हम जानते हैं ओ बी डी, बेस ओ बी हो गया, परपेंडिकुलर इज बी डी एंड हाइपोटेनियस इज रूट एक्स, ये कर्ण है, ये लंब है, और ये आधार है, हमको क्या चाहिए बी डी चाहिए, बी डी क्या है हमारा, वैसे हम जानते हैं क्या है यहाँ पर हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनियस कौन है ओ डी, बेस क्या है यहाँ पर ओ बी,
एंड परपेंडिकुलर क्या है बी डी। ओके हमको क्या चाहिए बी डी चाहिए, बी डी को यहीं रखा बाकी सबको उधर ट्रांसफर किया, तो बी डी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। ओ डी स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस ओ डी में से इस ओ बी को माइनस करेंगे। इसके बाद जो आपका आएगा ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, तो बी डी का वैल्यू लेकर के आना है। ओके जी ओ डी का स्क्वायर, ओ डी का वैल्यू हमने निकाला था x माइनस वन अपॉन टू, तो x माइनस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। नाउ इसका रेडियस सॉरी दैट इज ओ डी, ओ डी का लेंथ कितना है ओ डी यानी रेडियस, रेडियस है x प्लस वन अपॉन टू, x प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर, ओ बी इज x माइनस वन अपॉन टू, पहले ही हमने निकाल के रख लिया था x माइनस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। एक्सपांड करेंगे एक फ्रैक्शन दे रखा है उसका स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर होगा, अंश और हर दोनों का स्क्वायर होगा, तो x प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन फोर माइनस x माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन फोर। दोनों के ही डिनोमिनेटर में हर में चार है फोर है, तो रैंडम सी बात है एलसीएम भी फोर ही रहेगा, या फिर एक रूल होता है कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो सीधे सीधे न्यूमरेटर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, अंशों को जोड़ा जा सकता है, तो आपका ये एलसीएम फोर ही बनता है। यहाँ पर सिमिलर ही रहेगा x प्लस वन का होल स्क्वायर, तो मैं इसको एक्सपांड कर रही हूँ, तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए की जगह पर x है b की जगह पर 1 है, तो ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1, 1 को चाहे तो लिखो या ना लिखो एक ही बात है, प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 बन गया। अब यहाँ पर माइनस ब्रैकेट में इस चीज़ को लिख रही हूँ मैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस टू ए बी यानी कि 2 इंटू ए यानी कि x इंटू 1 सेम आंसर आएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 4 तो चल ही रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर। जब ओपन करेंगे इस ब्रैकेट को बाहर की तरफ माइनस ही, तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस 2x, इस प्लस का माइनस, माइनस वन हो जाएगा, ये आ गया 2x माइनस वन। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, और माइनस प्लस वन से माइनस वन हट गया, क्या बचा 2x प्लस 2x अपॉन में 4 चल ही रहा है, तो 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा 4x अपॉन 4, तो आंसर क्या आया, आंसर आया है यहाँ पर हमारे पास x। अब ये x किसका आंसर आया, बी डी का स्क्वायर x आया है, तो बी डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बी डी का स्क्वायर x है तो बी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, जो कि हमने यहाँ पर डायरेक्टली कह दिया था कि जब यहाँ पर B पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो उसकी लेंथ रूट एक्स रहती है, और इसीलिए सिंस हमको नंबर लाइन पर रूट एक्स चाहिए तो B को आप सेंटर मान करके यहाँ कंपास को इतना ओपन कर देते हैं BD के इक्वल, और फिर एक सर्कल या आर्क ड्रॉ करते हैं जो कि P पर कहीं कट करता है, तो वो पॉइंट मान लेते हैं, इसको ये लेकर के मैंने आर्क ड्रॉ किया, यहाँ पर कट किया उस पॉइंट P को, तो पॉइंट P और B के बीच की डिस्टेंस जो हो गई उसको भी मैंने रूट एक्स कह दिया। क्यों? क्योंकि जब सेंटर से इसको सेंटर मान के अगर मैं 3 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करती हूँ, ये 3 सेंटीमीटर आर्क ड्रॉ किया, तो इसका सर्कमफेरेंस का ईच पॉइंट इस ओ से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ही होगा, चाहे जितनी भी लाइंस यहाँ पर ड्रॉ करो सारी 3 सेंटीमीटर की होगी, तो इसलिए इतने रेडियस का अगर मैं आर्क यहाँ ड्रॉ करती हूँ तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच की डिस्टेंस रूट एक्स ही रहेगी।
ओके क्लियर है सबको, ये प्रूफ भी समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी रियल नंबर कह दिया जाए, रूट 3.5, रूट 1.5, एनीथिंग, तो उसके लिए आपको क्या करना है, रूट के अंदर जो नंबर बैठा है लाइक 1.5, तो 1.5 यूनिट का आपको लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद उसको एक्सटेंड करोगे 1 सेंटीमीटर, फिर जो भी पॉइंट बी होगा या फिर वो तो बात की बात है, 1 यूनिट एक्सटेंड कर दिया, फिर जो लाइन ए सी बनी उसको एज डायमीटर कंसीडर करते हुए हमको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो लाइक 1.5 है यहाँ पर 1 यूनिट, तो ये 2.5, तो 2.5 यहाँ से लेंथ, वो तो आपका डायमीटर हो गया, हाफ कर दोगे रेडियस आ जाएगी, वो लेकर सेमी सर्कल ड्रॉ करो, देन पॉइंट बी पर जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो लेंथ आपकी रूट एक्स होगी। यानी कि क्वेश्चन था अगर रूट ऑफ 1.5, तो ये रूट ऑफ 1.5 रहेगा, ये रेडियस लेके यहाँ पर आर्क ड्रॉ करोगे, जहाँ पर भी कट करेगा वो, और ये जो जिस पॉइंट को सेंटर मानते हुए आपने वो आर्क ड्रॉ किया, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी रूट ऑफ 1.5 या फिर रूट एक्स रहेगी। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपको अटैम्प्ट करने हैं, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेसन 5 जो चल रहा है यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका पार्ट 9 कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंसेस क्या होते हैं, यानी यूनि जो एक सेल से बना है और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म दो सेल या दो से मैनी मोर सेल से बना है, तो उसमें बेसिक और जो डिफरेंस होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट पढ़ूंगी आपकी एक एक्टिविटी, आपने देखा होगा ये 5.2, 5.1 में एक एक्टिविटी ली थी जिसमें भी हमने सेम चीज़ अनियन लिया था, अनियन की क्या ली थी हमने, पील सेल दी थी अनियन की, ठीक है। अब यहाँ पे अनियन बल्ब का रूट टिप और साथ में अनियन की लीप का लेंगे, लीप का जो लेंगे उसको बोलेंगे लीप एपिडर्मिस। तो यहाँ पे इस चीज़ को स्टडी करेंगे, एम हमारा क्या है, किसी भी एक्टिविटी को पढ़ते हैं तो उससे पहले उसका एम लिखा जाता है। एम मतलब ये कि वहाँ पर हम चीज़ को करना क्या है, इस पूरी एक्टिविटी में मेन चीज़ करना क्या है, ऑब्जेक्ट या उद्देश्य। टू मेक एन स्टडी टेम्प्रेरी स्टैंड माउंट ऑफ लीप पील, लीप एपिडर्मिस, लीप पील का मीनिंग है लीप एपिडर्मिस, रूट टिप ऑफ अनियन एंड पील्स ऑफ अनियन ऑफ डिफरेंट साइज। इन चीज़ों के सेक्शन लेने, किसके, एक तो है लीप पील, लीप पील का मतलब है लीप के ऊपर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं लीप एपिडर्मिस और लीप पील, सेम है। रूट टिप ऑफ अनियन, अनियन के नीचे जो रूट होती है, आपने देखी होगी अनियन होता है बल्ब लाइक शेप, उसके ऊपर ग्रीन लीव्स होती है, कभी कभी उन लीव्स की वेजिटेबल सब्जी बनाते हैं। अब अनियन बल्ब के नीचे डिस्क शेप में रूट्स होती है, पतली पतली सी धागे जैसी, जिनको हम हैंड से भी अलग कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं, तो वहाँ पर जो लगा होता है वो वहाँ से हम निकालते हैं रूट टिप, रूट टिप ऑफ अनियन बल्ब, अनियन पी, ये सारे क्या है डिफरेंट डिफरेंट साइज के अनियन हम ले लेंगे। अब इनमें हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो गाइज देखिए हमने जो पहले लिया था, पहले जो एक्टिविटी हमने 5.1 की थी, जो उसमें चीज़ों की ज़रूरत थी वो यहाँ पर है। अब मैं एक एक का क्या यूज़ है वो नहीं बताऊँगी, आपको याद होगा। फ्रेश अनियन रूट लेंगे, उसके बाद अनियन बल्ब लेंगे, लीप, वॉच ग्लास, ग्लास स्लाइड, कवर स्लिप, ब्रश, नीडल, ब्लेड, ब्लॉटिंग पेपर, ड्रॉपर, अ पेयर ऑफ फोरसिप, फोरसिप यानी पकड़ने के लिए इसको, ये वाला, ये फोरसिप कहलाता है। उसके बाद सेफ्रेनिन, स्टेनिंग मटेरियल एंड लास्ट टेन माइक्रोस्कोप, इन सारी चीज़ों को ले लेंगे। अब हम एक स्लाइड को प्रिपेयर करते हैं, तो उसके लिए इस तरह से कुछ अरेंजमेंट या तैयारियाँ करते हैं। एक पिटियोल वाला लीप लिया, पिटियोल जिस पोर्शन से लीप को हैंडल किया जाता है उसको पिटियोल बोलते हैं, ये लीप का एपिडर्मिस लेंगे। हमें क्या करना है कि लीप को इस तरह से दोनों हाथों से मोड़ना है, इस तरह से दोनों हाथ को पकड़ कर लीप को इस तरह से मोड़ेंगे, दोनों हाथ का यूज़ करना है। तो यहाँ पर जर्क लगेगा यानी पुल की हेल्प से, ये मैं आगे पढ़ा दूंगी आपको। फोरसिप की हैंडल से ये पकड़ना है, ग्लास स्लाइड पे इसको रखना है मेम्ब्रेन को, और कवर स्लिप लगा के उसको प्रॉपर माउंट कर देना है, और फिर माइक्रोस्कोप में इसको स्टडी करना है। अब मेथड क्या है इसका, तो वो देखेंगे हम। अ लीफ इज हेल्ड बाय फिंगर्स ऑफ बोथ द हैंड्स एंड ब्रोकन विद अ जर्क टू सेपरेट आउट द पील, दैट मींस इस लीफ को आपको दोनों हाथ से हैंडल करना है, आपको इस तरह से मोड़ना है इसको, जैसे ये मोड़ रखा है ना, आप सपोज करो कि यहाँ पे आपके दो हाथ है, इसके बीच में लीफ को आपने मोड़ दिया है, तो जर्क यहाँ पे प्रेशर आएगा और पुल लगेगा, बल लगेगा, फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक कट हो जाएगा, लीफ टूट जाएगी। अगर मोटी लीफ होगी तो वो पटक से टूट जाएगी, छोटी होगी तो वो मुड़ जाएगी, पतली लीप होगी तो वो मुड़ जाएगी, ठीक है। अब पील अपीयर्स एज ए कलरलेस मेम्ब्रेन हैंगिंग फ्रॉम द टीयर्ड मार्जिन ऑफ द लीप, टीयर्ड
फटे हुए भाग से लीप के मार्जिन से एक फटा हुआ भाग यानी टीयर्ड पार्ट अलग सेपरेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वो हैंग यानी लटकेगा थोड़ा सा, वो लगेगा ना आपको कि कुछ है धागे जैसा जो गीला गीला सा है, वाटर वाला है। अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ दिस मेम्ब्रेन, अब यहाँ पे जो मेम्ब्रेन हमको टूटी हुई लटकी हुई मिल रही है, इज कट विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेड इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर एंड दिस पीस इज देन ट्रांसफर्ड इमीडिएटली टू द वॉच ग्लास हैवी। मतलब ये कि यहाँ से जो हमको मिला अलग से चीज सेपरेशन या सेक्शन ये वाला, इसको फोर्सिप की हेल्प से पकड़ना है, पकड़ के इसको ग्लास स्लाइड पे रखना है, उसको फिर वाटर पे ड्रॉप डाल देनी है ताकि वो ड्राई ना हो, पानी उसका ख़त्म ना हो, उसके ऊपर देन कवर स्लिप लगा देनी है, ठीक है। ये चीज़ हमने ये यहाँ तक प्रोसीजर पढ़ा था, इसका प्रोसीजर भी आपको पढ़ने से लग रहा होगा कि सेम प्रोसीजर हमने 5.1 एक्टिविटी में दे रखा था। अब आगे क्या करते हैं, क्या किया इसने, वो कंटिन्यू करते हैं हम। ये सम वाटर, वाटर प्रिवेंट्स इट फ्रॉम गेटिंग ड्राई टू गेटिंग फोल्डेड, ठीक है। फोल्डेड यानी फोल्ड होने से बचाने के लिए, ताकि वो जो सेल हमने रखी है वो ड्राई ना हो, उसके लिए उसके ऊपर पानी डालेंगे। द रिमेनिंग प्रोसीजर ऑफ मेकिंग स्लाइड इज सेम एज दैट ऑफ एक्टिविटी 5.1। 5.1 में जो एक्टिविटी हमने की थी वो की वो सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है ऑनियन रूट टिप, इससे पहले जो किया वो क्या था, ऑनियन लीफ पील। लीफ पील दैट मीन्स लीप के ऊपर की एपिडर्मिस हमने ली थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लेंगे हम, रूट टिप, अनियन बल्ब, बल्ब के नीचे जो रूट होती है बहुत सारी उसका पार्ट लेंगे। अ मीडियम साइज्ड अनियन बल्ब इज टेकन टू मेक द स्लाइड ऑफ अनियन रूट टिप सेल, ठीक है। वहाँ से रूट टिप का सेल ले लेंगे। द ओल्ड ड्राइड रूट्स प्रेजेंट ऑन द डिस्क शेप स्टेम ऑफ अनियन बल्ब आर कट विद द हेल्प ऑफ अ शार्प ब्लेड। देखो क्या करना है, अनियन बल्ब को लेना है, क्या करेंगे आगे देखो, पूरा समझाती हूँ। द बल्ब इज देन प्लेस्ड इन द माउथ ऑफ अ बीकर फिल्ड विथ वाटर एंड दिस सेटअप इज केप्ट अनडिस्टर्ब्ड एट अ डार्क प्लेस फॉर 2 डेज। मतलब ये कि आप एक बड़ा साइज का अनियन ले लो, क्या लिखा है यहाँ पे, ड्राइड वाला है ना, जो बड़ा साइज का अनियन होगा जो पुराना होगा आपको लगेगा, तो वो अनियन ले लो। उस अनियन को आप ऐसे बीकर में रखो, इस तरह रखो कि उसका रूट वाला जो पोर्शन है ना, जहाँ पे अनियन की रूट निकलती है, वो रूट वाला पोर्शन पानी से भरे हुए बीकर में अंदर रखो, ताकि वो रूट वाला पोर्शन पानी के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आए, ठीक है। कितने दिन तक रखना है आपको, 2 डेज। इनिशिएटिंग रूट, मतलब इनिशिएटिंग रूट का मीनिंग होता है कि जब आपने अनियन बल्ब को बीकर में रख दिया है, पानी से भरे हुए बीकर में, तो वहाँ से क्या होगा, पानी के कॉन्टेक्ट में आने से जो सबसे पहले प्राइमरी रूट्स निकलना शुरू होगी, नई रूट्स, मतलब पहले से तो रूट है पर उस रूट से कुछ नई रूट्स आना शुरू करेगी, तो उसको बोलेंगे इनिशिएटिंग या प्राइमरी रूट्स। द रूट टिप इज वाइट इन कलर, वो जो रूट होगा जो पानी के कॉन्टेक्ट में आएगा, नया रूट निकलेगा, नया रूट का फॉर्मेशन होगा, वो वाइट कलर का होगा। स्मॉल पोर्शन अबाउट 2-3 mm लॉन्ग, इतना छोटा होगा वो साइज में, ऑफ दिस रूट टिप इज कट एंड केप्ट ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड, उसको वहाँ से कट डाउन करना है और कट करके उसको किस पे रखना है, ग्लास की स्लाइड पे। इट इज स्टैंड एंड अ कवर स्लिप इज प्लेस्ड ओवर इट, उसके बाद उसको स्टैंड करना है, कलरिंग देना है एंड देन कवर स्लिप इज प्लेस्ड ओवर इट, मतलब उसके ऊपर कवर स्लिप को पुट कर देना है। द कवर स्लिप इज देन टैप्ड जेंटली बाय क्लीन इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर इस वाली फिंगर से, ये जो थम अंगूठे के पास में होती है उस वाली फिंगर से, उस कवर स्लिप के ऊपर, मटेरियल के ऊपर नहीं, क्योंकि मटेरियल के ऊपर आप डायरेक्ट इंडेक्स फिंगर से प्रेस करोगे, टैप टैप, टैप का मतलब क्या है, उसको ऐसे ऐसे करते ना फिंगर से, तो कवर स्लिप डालनी है और कवर स्लिप डाल के फिर कवर स्लिप पे टैप टैप करना है, ताकि क्या होगा कि वो जो मटेरियल हमने डाला है वो एक जैसा हो जाएगा, वो ऊपर नीचे या ऐसे नहीं मोटा पतला ऐसा नहीं होगा, पूरी तरह से वो एक जैसा, एक इक्वली शेप में आ जाएगा, ताकि उसमें से सेल विजिबल हो जाए, दिखने लग जाए। क्लीन इंडेक्स फिंगर टू स्प्रेड आउट द सेल्स ऑफ द रूट टिप, स्प्रेडिंग ऑफ सेल्स, ऐसे टैप करने से क्या होगा, इंडेक्स फिंगर से टैप करोगे तो सारी सेल्स अंदर वाली क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। स्प्रेडिंग ऑफ सेल इज असेंशियल टू मेक द सेल विजिबल, जिससे सेल विजिबल हो जाएगी, ठीक है, दिखने लग जाएगी ऐसे टैप कर देने से। ऑनियन पील सेल, द मेथड ऑफ मेकिंग अ टेम्परेरी स्टैंड माउंट स्लाइड ऑफ ऑनियन पील हैज ऑलरेडी बीन डिस्क्राइब्ड इन एक्टिविटी 5.1। हमने ऑनियन पील का जो वो लिया था वो सारा 5.1 एक्टिविटी में हमने पढ़ लिया। अब है ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। ऑल द 3 मटेरियल्स
हमने जो एक्टिविटी पूरी की है उसको ख़त्म कर लेते हैं कंक्लूजन पे कि उसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन में ये कि हमने जो तीन एक्टिविटी की, एक एक्टिविटी की थी 5.1 और दूसरी की 5.2, जिसमें 5.1 में हमने क्या लिया था, अनियन का पील लिया था, सेकेंड में रूट टिप ली और अनियन का हमने क्या लिया, लीफ का एपिडर्मिस लिया। तो यहाँ दे रखा है कि तीनों मटेरियल जो आपने लिए 5.1 और 2 एक्टिविटी में, उससे आपको क्या प्रूव होता है, द पील, अनियन रूट एंड अनियन टिप एंड अनियन पील आर मेड अप ऑफ सेल, वो सारे के सारे किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट सेल्स आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस पूरी एक्टिविटी से ये कंक्लूजन या ये रिजल्ट निकलता है कि जितनी भी सेल होती हैं वो सारी सेल किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है। मतलब ये कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनका बेसिक स्ट्रक्चर या उनकी स्ट्रक्चरल यूनिट या फंक्शनल यूनिट जो होती है वो सब कहाँ से शुरू होती है, सेल। तो सेल जो है वो यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ और ऑर्गेनिज्म। ये डायग्राम को देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है रूट कैप, यहाँ पे ये रूट कैप है, रूट का जो सेक्शन काट के माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो यहाँ पे ये इस तरह से दिखाई देगा। सेकेंड हम अगर देखें, ये वाला जो है ए वाला पोर्शन वो किसका है, यहाँ पे दे रखा है डायग्राम में, ए वाला क्या है, लीफ पील, बी वाला क्या है, रूट टिप ऑफ अनियन, ये रूट टिप ऑफ अनियन है, और सी वाला क्या है, तो सेल ऑफ अनियन, लीफ पील, ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ये जो है मेरिस्टेमेटिक जोन है, जो किस शेप में होता है, राउंड राउंड ओवल शेप की सेल होती है। ये मैच्योरेशन यानी यहाँ से सेल की ग्रोथ होना शुरू होता है। ये जो सी है वो क्या है, सेल ऑफ अनियन, लीफ पील, रेक्टेंगुलर सेल होती है, रेक्टेंगल शेप दिख रहा है, इनके बीच में सेंटर में क्या है, तो न्यूक्लियस है, और ये क्या है, तो लीफ पील है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करेंगे। इनका डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो 5.1 इसके बाद मैं यहाँ से शुरू करूँगी। मतलब ये कुछ क्वेश्चन है कि क्या आपको ऐसा दिखाई दिया, आपको कैसा दिखाई दिया, आपको जो भी समझ में आया वो इससे हम क्लियर करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर लेसन 2 पढ़ रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। इसके अंदर हम लोगों ने व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है, कैसे बनाया गया है, उसको कैसे ड्रॉ किया है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब हम जो नेक्स्ट लास्ट जो हमने पढ़ा था, इसकी वैल्यूज़ पढ़ी थी, तो उसमें अपन ने 2 वैल्यूज़ पढ़ ली थी। थर्ड वैल्यू के यहाँ से अपने को स्टार्ट करना है। इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारी चीज़ें हमको दे दी गई है या हमको दे रखी है, जिसको हम क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं हमारे राइट्स के रूप में। तो थर्ड पॉइंट इसको कह सकते हैं लिबर्टी। लिबर्टी का मीन्स क्या होता है, स्वतंत्रता। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज गिव स्पेशल स्ट्रेस ओवर द लिबर्टी ऑफ सिटीजन। देखो क्या दे रखा है, ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज, सभी लोकतांत्रिक देशों में गिव स्पेशल स्ट्रेस, लोगों के माइंड में जो स्ट्रेस होता है कि हमको फ्री रहना है, करना है, उसको दूर करके हम सभी लोगों को क्या दे रखा है, स्वतंत्रता दे रखी है। दिस आर अगेंस्ट द अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन। क्या दे रखा है, दिस आर अगेंस्ट द अनरीजनेबल। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, विरोध करना, किसका, अनरीजनेबल, जो कोई कारणवश नहीं होता है, बिना किसी कारण से कोई प्रतिबंध लगा रखा है नागरिकों के ऊपर, तो ये इसका क्या करता है, विरोध करता है, यानी कि इससे हमारी स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए। दिस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द फुल लिबर्टी फॉर द सिटीजन अंटिल देयर एक्शन आर नॉट अगेंस्ट द राइट ऑफ द ऑफ अदर पीपल एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। क्या दे रखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द फुल लिबर्टी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमको पूरी स्वतंत्रता दे रखी है, फुल लिबर्टी फॉर द सिटीजन, सभी नागरिकों को पूरी स्वतंत्रता दे रखी है, अनटिल देयर एक्शन आर नॉट अगेंस्ट, लेकिन क्या दे रखा है, एक्शंस आर नॉट अगेंस्ट, हमारे जो कार्य है वो अगेंस्ट नहीं होने चाहिए द राइट ऑफ अदर पीपल, ऐसे नहीं कि हम जो राइट्स का यूज़ कर रहे हैं वो दूसरे लोगों के लिए क्या हो जाए, हानिकारक हो जाए, यानी कि दूसरे लोग उनका अच्छे से यूज़ नहीं कर सके। अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द अदर पीपल एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, और हमारे राष्ट्र की स्वतंत्रता भी बनी हुई रहनी चाहिए। तो कुल मिला के होगा, अगर हमारे देश ने हमको स्वतंत्रता दे रखी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको स्वतंत्रता दे रखी है, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि हम दूसरों की जो स्वतंत्रता है उसका हनन करें या उसमें कोई रुकावट डालें। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेक्युलरिटी। सेक्युलरिटी, सेक्युलरिज्म भी कह सकते हैं, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मीन्स क्या होता है, हमारे देश में, हमारे संविधान में पर्टिकुलर किसी भी धर्म को कोई मान्यता नहीं दे रखी, सभी धर्म को अपनाया गया है, सर्वधर्म संभाव की भावना रखी गई है।
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज एडवाइज टू रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन, दे रखा है हमारा संविधान सभी डेमोक्रेटिक कंट्री को एडवाइस सलाह देता है रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन, सभी धर्मों का सम्मान करना, एंड डू नॉट डिक्लेयर एन ऑफिशियल रीजन ऑफ द कंट्री, और किसी भी धर्म को कोई ऑफिशियल रीजन, जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज अपनी हिंदी इंग्लिश, उस प्रकार से किसी धर्म को ऑफिशियल नहीं बनाना, यानी कि हमारे देश का पर्टिकुलर कोई भी धर्म नहीं होगा, हम सभी धर्मों को जिस पर्सन की जैसी इच्छा है जिस धर्म को फॉलो करने की वो उस धर्म को फॉलो कर सकता है। दिस कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द गवर्नमेंट्स टू ट्रीट ऑल रिलीजियन बिलीफ एंड डू नॉट हार्म द पीपल फिजिकली एंड मेंटली, दे रखा है दिस कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू ट्रीट ऑल रिलीजन, सभी धर्मों को मानता है, बिलीव इन डू नॉट हार्म द पीपल फिजिकली एंड मेंटली, किसी को भी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से धर्म के नाम पर कोई भी चोट, हार्म का मतलब क्या होता है, चोट पहुँचाना, किसी भी प्रकार से कोई भी चोट नहीं पहुँचा सकते हैं, किसी भी प्रकार से किसी को भी प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिपब्लिक, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट गाइडिंग वैल्यू दैट फॉर्म द सोल ऑफ द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, क्या दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट रिपब्लिक, इसको ये जो पॉइंट दे रखा है गाइडिंग वैल्यू, हम कह सकते हैं इसको लोकतांत्रिक संविधान के अंदर एक आत्मा माना गया है, इस पॉइंट को सोल क्यों माना गया है, देखो अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडिटरी वन, डेमोक्रेसी इट्सेल्फ मीन्स अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, देखो क्या दे रखा है, और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर हमारा जो देश के हेड है वो किसके थ्रू इलेक्टेड होके आते हैं, इलेक्टेड पर्सन, हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति की पोस्ट है, प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो हेरिडिटी से नहीं होकर इलेक्शन के थ्रू होती है, ये सबसे बड़ी वैल्यू कह सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, सबसे अच्छा पॉइंट इसको माना जाता है, इसको देश कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की एक आत्मा माना जाता है कि हमारे देश का जो हेड है वो किसी हेरिडिटी के पोस्ट के थ्रू नहीं आकर इलेक्शन के थ्रू आते हैं, और उस पोस्ट का नाम क्या है, प्रेसिडेंट। डेमोक्रेसी इट्सेल्फ, डेमोक्रेसी का मतलब भी क्या है, अपने आप में अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, यानी कि ऐसी सरकार जिसका चयन किसके थ्रू होता है, लोगों के द्वारा होता है, यानी कि हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोग इलेक्शन के थ्रू अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बनाते हैं। लेकिन अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसमें हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये बात माइंड में रखना है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करके हमारे थ्रू भेजे गए जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो MLAs होते हैं, जो MPs होते हैं, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं और उनका इलेक्शन करते हैं, किसका करते हैं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं, और प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है वो हेरिडिटी से नहीं होकर इलेक्शन सिस्टम के थ्रू इनको इलेक्ट किया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट लगा देना यहाँ पर, ये इम्पोर्टेंट भी है और आपके लिए बहुत नॉलेज की चीज़, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया को रिपब्लिक कंट्री क्यों कहा जाता है तो सबसे जो मेन रीज़न इसका आता है वो यही मेन रीज़न है कि इंडिया को रिपब्लिक कंट्री इस कारण से कहा जाता है। अब नेक्स्ट अपने पॉइंट आता है, फिफ्थ पॉइंट है, कैन वी मेक चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन इफ द कंडीशन नीड्स हो, क्या हम हमारे संविधान को चेंज कर सकते हैं अगर आवश्यकता हो तो, क्या दे रखा है, क्या हम हमारे संविधान को चेंज कर सकते हैं यदि आवश्यकता हो तो। तो हमने जब 8th क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पढ़े थे उसमें एक वर्ड आया था रिजिडेंट फ्लेक्सिबल, क्या मीन्स होता है रिजिडेंट फ्लेक्सिबल, कठोर एंड लचीला, यानी कि हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। अब उस बेस पे मैं इस पॉइंट को समझा रही हूँ, आप देखना कठोर क्यों है, क्योंकि हम हमारे संविधान में चेंजेस तो कर सकते हैं लेकिन उन चेंजेस को करने की जो प्रोसेसिंग है वो इतनी आसान नहीं है, और लचीला किस लिए है कि हम हमारे संविधान में चाहे तो चेंजेस करवा सकते हैं। ये क्लियर हो गया, अब देखो इसमें क्या लिख रखा है, यस ऑफ कोर्स, क्या दे रखा है, हाँ हम अपने संविधान को चेंज कर सकते हैं। डेमोक्रेसी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री बोथ आर बेस्ड ऑन रेशनल थॉट्स, रेशनल थॉट्स का मीन्स क्या होता है, तर्कसंगत अवधारणाओं पर आधारित है, क्या आधारित है, कॉन्स्टिट्यूशन भी और डेमोक्रेटिक कंट्री भी, ये दोनों विचार। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अवर कंट्री इज द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ये मैंने आपको पहले बता दिया, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसका है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, और सबसे छोटा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, ओनली फॉर उसमें 7 आर्टिकल्स है, और अपने यहाँ पर देश में तो
मैंने आपको बताया था, नए भी बताए थे मैंने, 465 न्यू आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स की जगह अब 25 हो गए और 8 शेड्यूल की जगह 12 शेड्यूल हो गए. ये भी रिसेंटली है, ये नए हैं. इट हैज ऑल प्रोविजन एंड लॉज रिगार्डिंग द वेस्ट डाइवर्सिटी इन लिविंग स्टाइल्स रिलीजियस बिलीफ एक्सेट्रा. क्या दे रखा? इट हैज ऑल प्रोविजन एंड लॉज रिगार्डिंग द वेस्ट. वेस्ट का मतलब क्या होता? अलग अलग डाइवर्सिटीज, बहुत सारी डाइवर्सिटीज दे रखा है. लिविंग स्टाइल, लोगों के रहने का तरीका, धार्मिक जो अपना विश्वास है वो, ये सारी चीज़ें अपने देश में क्या है, अलग अलग है. अमंग द पीपल ऑफ इंडिया बट द मेकर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव मैंशनड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, देखो लिख रखा मेकर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसने मैंशन किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज करने की प्रोसेस है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं. इफ समथिंग इम्पोर्टेंट हैज बीन लेफ्ट टू सम न्यू सर्क्यूमटेंसेस नीड्स हो, इसके लिए कुछ आवश्यक बातें होती है जो हमको ध्यान में रखनी होती है. द प्रोसीजर ऑफ एमेंडमेंट, एमेंडमेंट का मीन्स होता है संशोधन करना, इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज लेट डाउन इन पार्ट 20 आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यानी कि इसके संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कौन से आर्टिकल में लिखे हुए, 368 में. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोविजन 104 अमेंडमेंट और चेंजेस हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टिल 25 जनवरी 2020. देखो अभी अभी का दे रखा है, 25 जनवरी 2020 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने चेंजेस किए गए, 104 चेंजेस किए गए. तो ये कब का बता रहा है, अभी का बता रहा है, 25 जनवरी, यानी कि इसी साल का है. अभी क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है और अपने को लास्ट दे रखा है 25 जनवरी 2020. उसके बाद तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा अमेंडमेंट हुआ है. अगर हुआ होगा तो नेक्स्ट ईयर जो आप लोग नेट पे भी सर्च करके देख सकते हो कि करंटली अभी आर्टिकल्स कितने हैं, तो आपको प्रेजेंट लिखोगे तो अभी कितने आर्टिकल्स वो आपके शो हो जाएंगे. नहीं तो एट्थ क्लास की, जिसकी भी ब्रदर सिस्टर्स पढ़ते हैं, एट्थ क्लास की बुक में भी सेम लेसन दे रखा है, उसमें एक्स्ट्रा बिट में डाला हुआ है कि नए आर्टिकल्स. वैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप लिख लेना 465 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स. तो ये अपना आज का जो टॉपिक है इतना ही होगा. नेक्स्ट जो दे रखा है, एन एग्जाम्पल ऑफ रिसेंटली डिजाइन कॉन्स्टिट्यूशन. अब आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो अपन ने साउथ अफ्रीका का पीछे पढ़ लिया है इसी लेसन में, उसमें जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके बारे में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया है और कैसे उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है. तो एक बार आप उसको अच्छे से एक बार रीड कर लेना, बहुत ईजी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. और जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि कब चेंजेस हुआ है, क्या हुआ है, तो इसके नोट्स आप बना लेना. थैंक यू.